गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, दिस इज सुनीता पॉल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मगरा कुंडला जोधपुर एंड सुनीता ग्लोबल सेकेंडरी स्कूल प्रियान नगर जोधपुर। आई एम ओम प्रकाश सुधा योर इंग्लिश टीचर। यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। यू आर स्टडिंग ग्रामर। ग्रामर देर आर सिक्स टॉपिक्स इन क्लास 10th this year in your board exam for session 2022 there are six topics, total topics, eh? Out of six we have already completed only two topics and third is going on, that is reported speech, you can say narration or direct indirect. तो हम ये reported speech, narration और direct indirect पढ़ रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी टू सेशंस हो चुके हैं। इसमें पहले हमने डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में सीखा था, फिर एडवर्बियल वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं दो नियम हमने सीख लिए थे, तीसरा नियम चल रहा था रूल रन, रूल वन, रूल टू और रूल तीसरा चल रहा था। रूल तीसरे में क्योंकि चल इसलिए रहा था कि उसमें दो भाग होते हैं, दो भाग का मतलब रूल थ्री में प्रश्नवाचक वाक्यों की बात हुई थी। तो रूल वन में क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य होता है। रूल टू ये था जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियमानुसार बदलता, बड़ी नियमानुसार, मतलब जो प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस, विल है तो वुड, शैल है तो शुड, मस्ट है तो हैड टू, तो ऐसे वो नियम मैंने लिखा दिया था। आपने लिखा ये रूल, आपको पूरे रूल पूरे लिखने, एग्जांपल आप 5 से 7 लिखिए नो प्रॉब्लम, बट रूल है जो भी मैंने लिखाए हैं। रूल में भी मैंने 2-2, 3-3 अलग अलग टाइप में लिखा है, जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए वो लाइन लिखो। हिंदी यहाँ पे कहीं नहीं है, हिंदी में आप चाहते हो तो कुछ अभी समझाते समय आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, या फिर जब स्कूल खुलती है तो कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, आई कॉन्ट टाइप इन हिंदी, ओनली इंग्लिश। सो जो भी आपको इंग्लिश में लिखिए, वैसे आपको सब कुछ अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, अंग्रेजी को अंग्रेजी के हिसाब से पढ़ोगे तो विल लर्न इंग्लिश, हमेशा हिंदी 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 तो फिर आप अंग्रेजी नहीं सीखो। ओके, तो रूल थ्री वॉज गोइंग ऑन, तीसरा रूल चल रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कर रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के बनते हैं इंग्लिश में, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक डब्ल्यू एच वर्ब से। जब आप एक हमने रूल थ्री वन किया था जिसका अर्थ था अभी जो भी यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से हो तो हम उसको इफ से जोड़ते हैं या वेदर से जोड़ते हैं, और इफ और वेदर के बाद में सीधा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या जाता है हेल्पिंग वर्ब यदि उसमें वाक्य में कोई हो तो। और बाकी जो परिवर्तन होते हैं और सेट टू को आस्क में बदलते हैं प्रश्नवाचक ऐसे वाक्यों में, और बाकी जो परिवर्तन होते हैं जो नियमानुसार चाहे वो प्रोनाउन का हो या एडवर्बियल वर्ड्स का हो, दो जो वो चेंजेस होते हैं वो नियमानुसार होते हैं। ओके, दैट वाज द रूल 3-1 हमने कंप्लीट किया था। आज टुडे वी विल मूव टू रूल 2। रूल नंबर 2 मतलब तीसरे का दूसरा रूल। पहला था हेल्पिंग वर्ब से, अब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से हो, वेर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर फादर, ऐसे है, हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू फिनिश दिस वर्क, ऐसे वाक्य हो तो जब हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते। तो रूल 3-2, व्हाट रूल 3-2 सेज, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सबसे पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से पहला वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो, एंड रिपोर्टेड स्पीच इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो वो भी किसे डब्ल्यू एच वर्ड से, तो हम निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। आई थिंक इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, तो व्हाट आर द चेंजेज विल टेक प्लेस, कौन कौन से परिवर्तन होंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेट टू को आस्क में बदलते हैं, और कनेक्टिव कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसी डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ते हैं, न तो दैट आता, न कोई दूसरा इफ आता, न वेदर आता, जो प्रश्नवाचक में वाक्य में जो दिया हुआ डब्ल्यू एच वर्ड है उसी से वो जुड़ेगा। तीसरी बात,
उसके बाद में WH वर्ड के सीधा हम सब्जेक्ट लगते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और वो भी मेन वर्ब जो भी नियमानुसार आता है। और जब ये वाक्य जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाता है तो वाक्य फिर वो प्रश्नवाचक नहीं रहता है। अब हम दो ये नियम के अनुसार इसका एग्जाम्पल्स करते हैं। दे सेड टू हिम उन्होंने उसको कहा, वेयर हैव यू कैप्ट आवर बुक्स, आपने हमारी किताबें कहाँ रखी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वर्ब की थर्ड पॉप कैप। अब देखिए नियम क्या कहता है, सेड टू को आस्क में बदल दिया, दे आस्क हिम, किससे जुड़ेगा, उसी WH वर्ड से जुड़ेगा वेयर, और उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन बदलने पड़ते हैं, तो ये यू यहाँ क्या है, हिम का क्या हो गया, ही। ओके, ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। वो नियम हमने नंबर 2 सीखा था, वो तो परिवर्तन करने पड़ेंगे, वेयर ही हैड कैप्ट, और ये आवर का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, ये दे के अनुसार पॉसेसिव दे का क्या होता है, देयर बुक्स में बदल गया। ये आपको प्रोनाउन बदलना जरूर सीखिए, डाउट है तो आप पूछिए प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। ये सेकेंड पर्सन था तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदला, ये आवर था ये पॉसेसिव रूप है इसका, और हमारी किताबें तो उनकी किताबें हो जाएगी, ये आवर फर्स्ट पर्सन होता, वी से संबंधित संबंध रखता है, इसलिए इसके किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट दे का पॉसेस देयर होता बुक्स। ओके, ही सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू वांट, उसने मुझे कहा आपको कितने पैसे चाहिए, हाउ मच कितना, मनी पैसे रुपए, डू यू वांट आपको चाहिए, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। लेकिन ये जो हाउ ये वो हाउ मच ये भी WH फैमिली का वर्ड है भाई, तो किससे जुड़ेगा, हाउ मच से ही जुड़ेगा। सेड टू किस में, आस्क में बदल गया, किससे जुड़ा, हाउ मच मनी, हमेशा सब्जेक्ट उसके साथ में होता है, ठीक है ना, हाउ मच मनी जो ऑब्जेक्ट उसके साथ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में रहता है। अब यहाँ उसके बाद हाउ मच मनी के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आई क्यों आया, यहाँ यू सब्जेक्ट है, यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, या मी का सब्जेक्ट आई हो गया। और ये कौन सा टेंस था, हाउ मच मनी डू यू वांट प्रेजेंट सिंपल, किसमें बदलेगा, पास्ट सिंपल में, इसलिए वापस वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहता इनडायरेक्ट स्पीच में, हाउ मच मनी आई वांट इट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ओके, एक और देखिए, सी सेड टू अस, उसने हमको कहा, whose pen it is, यह पेन किसका है, WH वर्ड क्या है, whose, किससे जुड़ेगा, उसी से जुड़ेगा। और सेड टू किस में बदल गया, ask में, टू वापस नहीं आता, सी ask us, whose pen, ये हमेशा how much money ऐसे जो होते हैं जो सब्जेक्ट जो साथ में जुड़ा रहता है। अब देखिए it का it आ गया और is का was हो गया, क्योंकि जा रहे हैं वाज वर्ब में बदलते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, हाउ मच हाउ मैनी हु ऐसे दिए, दीज क्वेश्चन वर्ड्स आर जॉइंड विद, इनके साथ जुड़ा रहता है सब्जेक्ट, इसलिए ऊपर हुज पेन, ओके, हाउ मच मनी ये उसके साथ में जुड़ा रहता है। वी विल डू वन और दो तीन एग्जाम्पल, या बहुत एग्जाम्पल किया, आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करो, जितना करोगे उतना। मैं दो एग्जाम्पल और आपको समझाता हूँ। सी सेड टू देम, उसने उनको कहा, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस पर्सन को कैसे हल करोगे, हाउ ये WH वर्ड है, किससे जुड़ेगा, इसी से जुड़ेगा, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी आस्क में बदल गया, हाउ माया गया। अब यहाँ देखो, यहाँ ये यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ देम का ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या होता, दे, विल किस में बदलेगा, फिर वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहे, यहाँ विल पहले सब्जेक्ट इसलिए है कि वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है। हाउ दे वुड सॉल्व दिस को दैट में बदलते हैं, दैट क्वेश्चन। ये जो आपको ये बहुत जरूरी है सीखना, हाउ टू चेंज प्रोनाउन एंड सम एडवर्बियल वर्ड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, एक और एग्जाम्पल दे, आई सेड टू देम व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क टूडे, मैंने उनको कहा आप अपना काम आज क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क टूडे, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यू किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूस में।
ओके तो यहाँ पे जुड़ेगा किससे, कनेक्टिव क्या आएगा, वाई आएगा, उसी डब्ल्यूएच वर्ड से जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी नियमानुसार दूसरे परिवर्तन होंगे। यहाँ देखिए, आई सैड टू को आस्क में बदल दिया, देम का देम वाई से जुड़ गया। अब वाई के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा, यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, देम का सब्जेक्ट दे हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें बदल गया, पास्ट कंटिन्यूस में, इज आर एम वाज वर में, दे वर नॉट डूइंग, ये योर वर्क किसमें हो जाएगा, देयर वर्क, ये योर सेकेंड पर्सन, दे का जो पॉसेसिव रूप होता है देयर वर्क, दिस टुडे को दैट डे में बदल दिए, सब सीखना पड़ेगा, मैंने लिखा दिए दैट डे। तो ये आपको रूल थ्री समाप्त हो गया। दो इसमें रूल थ्री में दो टाइप के हमने सीखा था, एक तो हेल्पिंग वर्ब से पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, या डब्ल्यू एच वर्ब से, दोनों को अलग अलग रूप में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो रूल आपका जो फोर्थ है वो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ठीक है, सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस बिगिन विद डू और डोंट से शुरू हो, सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू हो, सेंटेंस बिगिन विद लेट से शुरू हो, ऐसे चार प्रकार के नॉर्मली वाक्य जब शुरू होते हैं ऐसे वर्ब की क्रिया की प्रथम फॉर्म से, डू या डोंट से, प्लीज या काइंडली से, लेट से, तो ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसे वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या परिवर्तन करते हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो ये मैं लिखा है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, कॉमा से पहला एंड रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, वी विल डू फॉलोइंग चेंजेज इन इनडायरेक्ट स्पीच, क्या करेंगे परिवर्तन, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा जा रहा है, कोई आदेश दे रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो उसके अनुसार वो बदल जाती है, लाइक ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड, फॉरबेड, फॉरबेड का मना करना, प्रपोज प्रस्ताव करना, तो इनमें बदल जाए, सेड टू इनमें बदल जाएगा। और ज्यादातर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य होते हैं या कनेक्टिव टू आता, नहीं तो दैट आता, नहीं इफ आता, नहीं कोई डब्ल्यू एच वर्ड आता, टू से जुड़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, और कुछ जगह दैट भी आता है, वो लेट वाले सेंटेंस में, दैट विल टॉक लेटर, चेंज डोंट टू नॉट, जो डोंट होता है वो नॉट टू में बदल जाता है इनडायरेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। मदर सेड टू मी ईट हेल्दी फूड, माँ ने मुझे कहा हेल्दी खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, है ऑयल का खा, ज्यादा ऑयल मत खाओ ज्यादा, ऐसे बोलती मदर हमेशा आपको। तो यहाँ मदर ईट हेल्दी फूड आपको क्या दे रही, माँ आपको सुझाव दे रही, तो ईट हेल्दी फूड में ऐसा बोध होता है कि आपकी जो मदर है वो आपको क्या दे रही है, सलाह दे रही है, तो एडवाइस है, ऐसे तो ऑर्डर तो नहीं देती, ऑर्डर में कोई आप नौकर को दे दूसरे को दे, तो यहाँ मदर एडवाइस, तो ये जो सैड टू था इसके भावार्थ के अनुसार बदल गया, इसलिए एडवाइज मी, और किससे जुड़ेगा, टू ईट हेल्दी फूड, उसको जोड़ दो वापस, यहाँ टेंस वगैरह चेंज नहीं होता इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले। ऑफिसर सैड टू द सोल्जर, ऑफिसर ने सिपाही को कहा अटैक द एनिमी, दुश्मन पर हमला करो, आक्रमण करो, तो अभी यहाँ पे सेट टू, यहाँ पे क्या दे रहा है, आर्मी में ऑफिसर फौज में कमांड देते हैं, कमांड, तो यहाँ पे जब कोई फौजी अफसर का सोल्जर है तो कमांडेड लिखिए, द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर, कमांडेड सोल्जर टू अटैक द एनिमी, टू से जुड़ गया और वापस वैसे के वैसे। अभी देखो, डॉक्टर सेट टू मी डोंट ईट ऑयली फूड, व्हाट इज ऑयली फूड, तली हुई चीजें, घी में, तेल में, ये जो हम लोग बाहर खाना खाते हैं तली हुई स्वाद, लेकिन ऑयली फूड इज वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, वी शुड नॉट ईट देन एंड देयर आउटसाइड, ओके, बार बार ये बाहर खाना खाते हैं ना, ये जो हमको तली हुई चीजें, मिर्ची बड़े, जोधपुर के कोफ्ता, कचौड़ी, डेली खाओगे तो बीमार बन जाते, नहीं कभी कभी खाना चाहिए, बिकॉज दे डोंट यूज प्रॉपर ऑयल एंड मसाला, जो भी यूज करते हैं ना वो प्रॉपर नहीं, उनको तो क्या करना, बिजनेस करना, सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट अवर हेल्थ, ओके। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझको कहा डोंट ईट ऑयली फूड, अब देखिए डॉक्टर ने आपको क्या दी है, सलाह दी, डोंट ईट ऑयली फूड, तली हुई चीजें मत खाओ, ठीक है ना,
तो यहाँ डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइज द, सेड टू किस में बदल गया, एडवाइज, डॉक्टर एडवाइज मी, और डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं, नॉट टू ईट ऑयली फूड। और यदि आप इसको कई बार डोंट वाले में फॉरबेड का भी प्रयोग करते हैं, फॉरबेड का मतलब मना करना, पास्ट टेंस फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, द डॉक्टर फॉरबेड मी। अब यहाँ पे मना कर दिया तो फिर नेगेटिव नहीं आएगा, सीधा टू लगा के उसको जोड़ दो, द डॉक्टर फॉरबेड मी टू ईट, जो आपके परीक्षाओं में ये एडवाइज और फॉरबेड दिया रहता है, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस। तो जिसे फॉरबेड से दिया है तो मी लगा के टू, फिर डबल नेगेटिव नहीं है, फॉरबेड का मतलब फॉरबेड नेगेटिव वर्ड है, ओके, और एडवाइस दिया है तो फिर वहाँ नॉट टू, डू नॉट नॉट टू में बदल जाएगा। और देखो ये दुनिया भर के एग्जांपल है, एन नंबर ऑफ, ओके, तो हम लोग और करते हैं दो तीन, यहाँ पे दो और करते हैं, यहाँ पे ये और आपको समझ में आ जाएगा। आई सेड देम, मैंने उनको कहा, डोंट शाउट, मत चिल्लाओ, तो क्या होगा, एक तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, डोंट शाउट देते, आप ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, आई ऑर्डर देम नॉट टू शाउट, तो या फॉरबेड है तो फिर क्या हो गया, आई फॉरबेड देम टू शाउट, वहां पर डोंट को नेगेटिव दो बार नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि फॉरबेड अपने आप में अंग्रेजी में नेगेटिव वर्ड है। ही सेड टू अस, डोंट वेस्ट योर टाइम, ही सेड टू अस, उसने हमको कहा अपना समय बर्बाद मत करो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही एडवाइज अस नॉट टू वेस्ट अवर टाइम, और फिर फॉरबेड करोगे, ही फॉरबेड अस टू वेस्ट अवर टाइम। ओके, एक दो हम लास्ट में लेट वाले करते हैं, लेट में देखिए लेट का कहाँ लिखा है, ही सेड टू अस, उसने हमको कहा, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर, हमको दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेट अस के, देखिए अंग्रेजी के अंदर लेट के साथ लेट अस क्या मतलब होता है, हम, लेट के अंदर वी शुड या लेट अस के अंदर वी शुड छिपा रहता है, तो जब वापस लेट वाले वाक्यों को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वी शुड का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वाक्यों को दैट से जोड़ना पड़ेगा, टू नहीं आता यही, और बाकी तो ये जो यहाँ पे लेट अस जिसका इसमें भावार्थ होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाता है। तो यहाँ पे ही सेड टू अस, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स, हमको दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, तो इसमें सुझाव है, He suggested us that, यहाँ पे देखो that से जुड़ेगा let वाला वाक्य, that we should not disturb others, हमको दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। देखो he said to you, उसने हम तुमको कहा, let us study silent, हमें चुपचाप पढ़ाई करनी चाहिए, let us का मतलब we should, तो यहाँ suggested या पर बहुत प्रस्ताव रखा, he suggested us to that, ये that से जुड़ते हैं let, that we should study silent, हमें चुपचाप पढ़ाई करनी चाहिए। So this way you can change and we will finish two more rules. आपके six rule course में हैं, चार हो गए, पांचवा rule है optative sentence. Optative sentence वो sentence होते हैं जिसमें किसी इच्छा का या आशीर्वाद का, प्रार्थना का, किसको अभिशाप देते हो, ऐसा कोई बोध होता है। ज़्यादातर ये जो optative sentence होते हैं वो में से शुरू होते हैं, तो इनमें भी भावार्थ के अनुसार ये रिपोर्टेड स्पीच बदल जाता है। तो क्या लिखा देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस डिनोट्स, इंगित करते हैं या बताते हैं विस इच्छा या डिजायर, इसका मतलब इच्छा, बैलेंसिंग का अर्थ होता है आशीर्वाद, प्रेयर, प्रार्थना, कर्स, अभिशाप, किसी को साफ जा तुम खड्डे में गिरेगा, जा तेरा एक्सीडेंट होगा, हैं, जा तुम नर्क में जा, ऐसे जब उसको कर्स बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस शुड एंड विथ, ये एक्सप्लेनेशन का निशान आता है, क्योंकि मे यू लॉन्ग लाइफ, तो ये निशान आप ऑप्टेटिव कैसे पिछो, मे से शुरू होगा वाक्य और लास्ट में ये चिन्ह होगा, तब आप सोच लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, एज पंक्चुएशन, व्हाट इज पंक्चुएशन, जो विराम चिन्ह लगाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस इज नॉर्मली स्टार्ट विथ मे और एंड विथ दिस निशान। ओके, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, अब देखो क्या नियम ये कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये चीजें सीखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये परीक्षा में ये तो नहीं पूछते हैं, वहां तो सेंटेंस देते हैं, लेकिन एक्चुअल होता क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसका बोध करवाता है, दैट यू शुड नो हाउ, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, वी हैव द फॉलोइंग चेंजेज इन डायरेक्ट स्पीच, में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज एज पर द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस लाइक विस्ट बैलेंस्ड कर्स, तो उसमें
इच्छा का, आशीर्वाद का, प्रार्थना का, अभिशाप का बोध होता है तो उसके अनुसार वो बदल जाती है। यूज कनेक्ट, अभी याद रखना, ऑप्टेटिव में दैट का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन इसमें स्टेटमेंट लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड डे, थैंक यू, बेस्ट लक, तो ऐसे वाक्य आते हैं तो उसको बिना कंजक्शन ही जोड़ देते हैं। अब नियम करेंगे तो मे चेंज इनटू माइट, और मे किस में बदल जाता है, माइट में, इन द रेस्ट ऑफ द चेंज, बाकी चेंज नियमानुसार टेंस वगैरह बदलना है जो कुछ। और वी ड्रॉप ऑब्जेक्ट, इसमें कई बार ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, किसने किसको का सीधा हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मदर सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीष दे, माँ ने मुझे कहा, तो यहाँ मैंने लिखा है मी, नहीं लिखो कि मदर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब वापस जब वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य वो क्या रहे ऑप्टेटिव नहीं रहता, इसलिए ये निशान फुल स्टॉप आया, यहाँ क्या लिखा, मदर सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे से शुरू हुआ और लास्ट में ये चिन्ह है एक्सप्लेनेशन का, तो ये वाक्य तो ऑपरेटिव हो गया। अब इसको इसमें क्या एक आशीर्वाद या क्या बोलते हैं इच्छा का बोध हो रहा है, तो विश आया, तो माँ ने मुझे विश दी, क्या मदर विश्ड मी दैट, दैट से जुड़ा। फिर ये सब्जेक्ट क्या, गॉड, मे किस में, माइट में बदलेगा, ब्लेस मी, ये यू कौन है अंग्रेजी में, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, मी का मी यहाँ पे है और ये यू का क्या होता है यू सेकेंड पर्सन, तो ये मी में बदल गया। ओके ओके, फादर सेड टू अस, पिताजी ने हमको कहा, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो मे से शुरू हुआ ये निशान है, आपको जिंदगी में सफलता, पिताजी ने हमको कहा कि आपको जिंदगी में सफलता मिले, तो फादर ने क्या दिया, आशीर्वाद दिया इसमें, ये फादर ब्लेस अस दैट वी माइट गेट सक्सेस इन लाइफ, वी ये यू देखो, यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, ये ध्यान रखो भाई, ये प्रोनाउन बदलना सीखो, और मे का माइट गेट सक्सेस इन लाइफ। तो ये दुनिया भर के हमने सेंटेंस लिखे, वी विल डू थ्री मोर एग्जांपल्स, लास्ट में तीन एग्जांपल और करते हैं, आपको पांच एग्जांपल लिखिए, और ज़्यादा लिखना आपकी इच्छा है, पढ़ना आपकी इच्छा है, मैंने तो बहुत एग्जांपल दिए भी मैंने, और इसका दूसरा वीडियो मैंने तैयार किया था उसमें और भी ज़्यादा है मैंने, लेकिन यही इतना ही आपको दे रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये समझ में आना जरूरी नियम, बाकी आप कर लोगे, बाकी प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अंग्रेजी उतना ही अच्छा समझ में आएगा। He said to me, may you pass the exam with first division. कि उसने मुझको कहा, may you pass the exam, कि आपको परीक्षा में प्रथम श्रेणी मिले। ये क्या शब्द नहीं बोलेंगे भैया, एक्सक्लेमेशन का निशान है, ये आपको कोई क्या दे रहा है, आपको अच्छा आशीर्वाद, आपसे अच्छी इच्छा कर रहा है आपके लिए। तो अब देखो यहाँ विश कर रहा है, he wished, अब यहाँ पे मैं बोला ऑब्जेक्ट मी, लिख भी सकते हो नहीं भी लिखो, he wished that, यही इसके बाद में यू अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन, तो किसमें बदल जाएगा, आई में, या मी का सब्जेक्ट आई होता है, और मे को माइट में, दैट आई माइट पास द एग्जाम विद फर्स्ट डिवीजन, ग्रैंड मदर सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, दादी ने मुझे कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू का भगवान तुम्हारा, दादी ने मुझे कहा भगवान तेरा भला करे। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखो, मे से शुरू हुआ है वाक्य और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ग्रैंड मदर प्रेड दैट, ग्रैंड मदर ने प्रार्थना की, यहाँ विश भी लिख से प्रेड दैट, वो परीक्षा में लिखा रहेगा, दैट गॉड सब्जेक्ट होगा, मे को माइट पहले, यू अंग्रेजी में सेकंड पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ मी आया। शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, मे यू नेवर रिमेन हैप्पी, लड़की ने लड़के को क्या कह दिया, कि तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, उसको अभिशाप दे दिया, अब क्यों दिया खुदा जाने। ओके, शी सेड टू हिम, मे यू नेवर रिमेन हैप्पी इन लाइफ, अब मे यू नेवर रिमेन हैप्पी इन लाइफ, कि तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, तो ये अच्छा तो आशीर्वाद नहीं है, उसने बुरा दिया, तो ये क्या है, कर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली विस्ट की जगह नेवर, तो यहाँ पे ने गलत लिखा, कर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इच्छा जताई है, जैसे परीक्षा में दिया रहेगा कर्स भी, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, कर्स, सी कर्स दैट, ये यू सेकंड पर्सन होता है, हिम का सब्जेक्ट ही लिखा, ही माइट नेवर रिमेन हैप्पी इन लाइफ। अब लास्ट रूल हम करेंगे कल, टुमारो विल ओनली प्रैक्टिस ऑल टुगेदर, सब मिला के हम
क्या करेंगे, प्रैक्टिस। और लास्टली नियम है रूल 6 सीख लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं तो अचानक आपको सुख दुख का अभाव होता है, ठीक है। जैसे आप अचानक अभी कक्षा में बैठे हो, मैंने बोला कल छुट्टी, एकदम आपको क्या होगी, खुशी, वाह टुमारो इज हॉलीडे है। और बोला कि आपके पिताजी आपके लिए नया स्मार्टफोन, एकदम आप उछल पड़ोगे, तो आपको क्या अचानक खुशी थी। ऐसे जो वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ओके। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिनोट सडन फीलिंग, अचानक फीलिंग, इमोशन, भाव, मन की भावना। जैसे हुर्रे खुशी में यूज होता है, वाउ खुशी में, ये हैप्पीनेस जॉय आनंद को दिखाते हैं। अलास या ओह ये दुख होता है, किसी का कोई उड़ गया घर में या किसी की डेथ हो गई तो ये अलास बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेट सोरो या रिग्रेट, कोई पछतावा, डिस्ट्रेस। ब्रेव कोई आप अच्छा काम करते हो हैं तो, या वाट से, हाउ से, ये वाट और हाउ भी अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी वर्ड है भाई। ये वॉच, व्हाट ए ब्यूटीफुल योर फेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल टुडे दिस टुडे वेदर। तो ऐसे जब यूज करते हैं व्हाट और हाउ तो ये भी ओ गॉड जैसे, ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इनके तुरंत बाद वो निशान रहता है एक्सक्लेमेटरी का, कौन सा निशान, ये ऐसा वाला, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्या करते हैं हम, देखो पहले तो नियम पढ़ लेते हैं। Another 5 minutes with Vyas. If reporting verb is in past tense and reported speech contain exclamatory sentence, we have to make following changes in the indirect speech. क्या मतलब? Reporting verb past tense में हो और reported speech आवाज के exclamatory sentence हो तो हम निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। Reported verb change as per sense, feeling or reported speech like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise. कहने reported speech का जो वाक्य में जो sense निकलेगा, भावार्थ निकलेगा, reporting verb उसके अनुसार normally तीन चीजें हम लिखते हैं, exclaimed with joy, exclaimed with surprise, exclaimed with sorrow. तो ये तीन चीजों के हम लोग ज्यादातर exclamatory sentence को indirect speech में बदलते हैं। और इसमें conjunction that आता है भाई, exclamatory sentence में भी हम लोग conjunction मतलब दोनों comma और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, रिमूव एक्सक्लेमेटरी दैट एंड रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आते हैं उसको भी निकाल देते हैं, वाउ है, जो भी हुर्रे जो भी वर्ड है वो निकल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अदर चेंजेस नॉर्मल, दूसरे जो परिवर्तन होते हैं नॉर्मल होते हैं। और वाक्य में वाट आ गया या हाउ से एक्सक्लेमेटरी कोई सेंटेंस है, दीज वर्ड्स विल बी रिमूव्ड, इंस्टेड ऑफ इन शब्दों को हम निकाल करके ग्रेट, बिफोर, वो एडजेक्टिव से पहले ग्रेट या वेरी का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल से समझिए, ही सेड टू मी हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, क्या उसने हमको कहा हुर्रे, मतलब एक खुशी से उछल करके क्या कहा उसने, हुर्रे, देखो हुर्रे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और ये निशान भी आया, हमने मैच जीत लिया, मैच जीत चुके हैं, तो एकदम उसको खुशी हुई, तो इसमें दुख नहीं, हुर्रे खुशी का, तो हमने क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये इसका भावार्थ क्या है इस सेंटेंस का, जॉय और दैट से जुड़ा, और वी अंग्रेजी में ये फर्स्ट पर्सन होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नहीं बदलेगा, हमारे कॉमन सेंस है, उसने हमको कहा, मतलब सबने मिलकर कहा, तो यहाँ वी का वी रहेगा, दैट वी हैड वॉन द, अब देखो ये टेंस चेंज हो रहा है, वो किस में बदल गया, हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। She said to him, alas, alas कहते दुख का बोध होता भाई, I have lost my wallet. What is wallet? बटवा को बोलते हैं भाई, wallet बटवा होता है आपके, अरे मैंने मेरा बटवा खो दिया, एकदम आपका चेहरा नीचे लटक गया, आप बाजार गए, आपने आपका हैंड बैग है या कोई आपका पर्स वहां रखा साइड में, कोई उठा लिया, तो आपको क्या दुख होगा, सुख की खुश होगा नहीं होगा भाई। आप बोलते आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, आपने मोबाइल है पीछे से धीरे से किसने निकाल दिया, तो ऐसे में सोरो यूज करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, अब देखो आई अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन होता है, आई कौन है, ये सी है, तो यहाँ पे आई के बदले आपने क्या लिखा, सी, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, सी हैड लॉस्ट हर माई वैलेट, कौन बोली, सी, यहाँ पे क्या हो गया, हर वैलेट, सी सैड अलास आई हैव अनडन, व्हाट इज अनडन, अरे मैंने तो गलती कर दिया, उसको दुख हुआ, कोई आप काम कर रहे थे, कोई करना किया था और कर कुछ और दिया, डालनी थी शुगर डाल दिया, नमक चाय के अंदर, तो आप क्या बोल, I have undone, तो अलास, अलास का मतलब दुख होता है, क्या बोलो, she exclaimed with sorrow that
आई कौन है? सी फर्स्ट पर्सन है ना, आई फर्स्ट पर्सन, तो सी सी हैड अनडन, अनडन गलती को बोलते हैं भाई। ओके अब एक दो हम वाक्य हाउ और व्हाट से करते हैं, वो थोड़ा सा अलग रहे, इनमें तो चेंजेज अलग टाइप से होते हैं, तो देखिए कैसे। My sister said, "How beautiful the rain is." मेरी बहन ने कहा देखो आज बरसात कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल सुंदर रेन। देखो एक्सक्लेमेटरी, ये हाउ से या वाट से जो वाक्य शुरू होते हैं उनका जो एक्सक्लेमेटरी जो निशान होता है ना वो लास्ट में रहता है। मेरी बहन ने कहा आज मौसम आज बहुत सुंदर वर्षा हो रही है, ऐसा मतलब उसका सेंस निकलता है। तो यहाँ पर क्या सरप्राइज होता है, हाउ और व्हाट वालों में ज्यादातर हम सरप्राइज आश्चर्य का बोध होता है। माई सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कहीं पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कहीं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कहीं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट से जुड़ गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द रेन, ये ध्यान रखना, इसे दैट के बाद सीधा सब्जेक्ट क्यों, वापस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहता, फुल स्टॉप आता है। द अभी ये प्रेजेंट द हाउ रेन इज, तो किसने, द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अभी ये देखो यहाँ पे हाउ हट के क्या लगा दिया, वेरी, तो ये हाउ हटता है या वाट हटता है, वेरी या ग्रेट का शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्यूटीफुल। तो माय सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो एक दूसरा, प्रेम सैड, प्रेम ने कहा व्हाट ए ग्रेट मैन यू आर। देखो एक्सक्लेमेटरी व्हाट के बाद में प्रश्न शुरू, या व्हाट से प्रश्नवाचक नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट में निशान ये प्रश्नवाचक नहीं है, क्या आप कितने महान आदमी, व्हाट ए ग्रेट मैन यू आर, आप कितने महान आदमी हैं। तो प्रेम ने आश्चर्य हुआ, तो प्रेम एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और किससे जुड़ा गया, दैट से। और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू किसके अनुसार बदलेगा, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ये यू सेकेंड पर्सन होता है, तो यहाँ पे किसी से बात कर रहा है, प्रेम सैड टू हिम, तो यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन यहाँ लिखे ही वॉज ए ग्रेट मैन, प्रेम सैड टू मी, तो यहाँ आई वॉज होता है, आई वॉज ए ग्रेट मैन, ये देखो ग्रेट आ गया, कहीं वेरी आ गया, तो वापस वो व्हाट और हाउ नहीं आते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स है, अभी हम लोग, मैं दो एग्जाम्पल आपको और करवाता हूँ, उसके बाद विल फिनिश टुडे एंड टुमारो ओनली प्रैक्टिस विथ वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, अलग अलग सब रूल मिला करके हम प्रैक्टिस, 6 रूल है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे टुमारो। ओके, आई सेड टू हिम हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, मैंने उसको कहा आप कितने मजबूत हो, हाउ, यहाँ देखो हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ कैसे आप मजबूत, ऐसा नहीं निकले भाई, यहाँ हाउ और वाट से वाक्य शुरू हो और पीछे एक्सक्लेमेटरी हो तो वो बोलने में थोड़ा अलग बोलते हैं, हाउ आप कितने मजबूत आदमी हो, मतलब आपको क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, वो लंबा तकड़ा आदमी है कोई है? और बॉडी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपके, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, I exclaim with surprise that you, अंग्रेजी में second person reporting verb के object him का he हो गया, are का he एक वचन है तो was हो गया, that he was very strong, how हट गया तो very आ गया और strong आ गया। Raju said to the teacher, Raju ने अध्यापक को good morning sir, या गुड मॉर्निंग लिखा है तो सर आता है इसमें सर जोड़ दो, राजू विश, राजू ने किया देखो यहाँ विश किया उसको, अपने टीचर को विश किया, विश द टीचर, और मैंने बोला ऐसे वाक्यों को सीधा ही जोड़ दिया जाता है, राजू विश द टीचर गुड मॉर्निंग, तो सीधा जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून होता है तो सीधा कैसा भावार्थ है उसके अनुसार आप सीधा विश लिखोगे, ज्यादातर इसमें सब राजू विश द टीचर गुड मॉर्निंग। ओके, तो ऑल सिक्स जो रूल्स है आप उसको अच्छी तरह पढ़िए, एंड दीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी हेल्पफुल फॉर और फ्यूचर या फर्दर स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल। और आप रूल जरूर लिखिए, 5-5 एग्जाम्पल भी लिखिए, और एक बार पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, कल आपको PDF दे दिया जाएगा, यू मेक ए गुड नोट्स। ओके ओके, विल फिनिश इट हियर, विल बी कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।